बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा का आज यानी 16 जनवरी 2022 को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनेता ने 2012 में आलिया भट्ट और वरुण धवन के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण नामांकन में भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। सिद्धार्थ मल्होत्रा रोमांस, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर और यहाँ तक कि बायोपिक सहित विभिन्न शैलियों की फिल्में कर चुके हैं। अभिनेता ने एक विलेन और हंसी तो फंसी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें आखिरी बार 2021 की फिल्म शेर शाह में देखा गया था, जो साल की सबसे बड़ी डिजिटल हिट फिल्मों में से एक थी। अभिनेता ने फिल्म में कारगिल शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी और लाखों का दिल जीता था। जहां प्रशंसक अभिनेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, वहीं वे उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2010 में उन्होंने फिल्म माई नेम इज खान में करण जौहर के शिक्षण में सहायक निर्देशक का काम किया था। इनके पिता सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं और अभिनेता की मां एक हाउसवाइफ है। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में हंसी तो फंसी, एक विलेन, कपूर एंड सन्स, इत्तेफाक, मरजामा, बार बार देखो, ब्रदर्स, शेरशाह, जबरिया जोड़ी जैसे कई फिल्मों में अपना अभिनय किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आगामी फिल्मों की लिस्ट में मिशन मजनू, थैंक गॉड और योद्धा शामिल हैं। यही नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा को अब तक कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर, ग्लैमरस और स्टाइलिस अवार्ड शामिल हैं, जिसमें साल 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया हॉट लिस्ट मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू कमर 2012 का अवार्ड भी सिद्धार्थ को मिला था। वहीं 2013 की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों में से 50 हैंडसम हंक का अवार्ड भी सिद्धार्थ पा चुके हैं। 2014 में टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2013 का अवार्ड भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला। आइए अब जानते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं। मिशन मजनू, जी हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा आगामी फिल्म मिशन मजनू में दक्षिण की दीवा रश्मिका मंदाना के साथ अभिनय करते नजर आएंगे। यह फिल्म पुष्पा स्टारर के साथ अभिनेता की पहली फिल्म मानी जा रही है। यह एक जासूसी थ्रिलर है और यह फिल्म 13 मई 2022 को सिनेमा घरों में आने वाली है। वहीं अगर उनके फिल्म योद्धा की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन फिल्मों की फैन होते जा रहे हैं। वह जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म योद्धा में एक सैनिक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म में दिशा पटानी और राशि खन्ना भी मुख्य भूमिका में होंगे। यह 11 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। वहीं अगर थैंक गॉड की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा आगामी फिल्म थैंक गॉड में अपने अयारी एक्ट्रेस रकुल प्रीत और बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए तैयार है। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली है। ऐसे में हम यही कहेंगे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्में भी सुपर डुपर हिट हो और आज के उनके जन्मदिन के लिए भारत मित्र लाइव की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।